लोग त्राही माम चिल्ला रहे हैं। अब जोशी मठ की जो खबरें हैं वो टीवी मीडिया पर दिखाई तो जा रही है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं, जो लोग जूझ रहे हैं, उसी पे आज यहाँ पर संगोष्ठी रखी गई। उत्तराखंड में जिस तरीके से लोगों के घर टूट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं, वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं, सीएम साहब क्या कर रहे हैं, इसी पर आज चर्चा हुई। तो हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से जोशी मठ में जो अभी हालात हैं, वहाँ के लोग त्राही माम चिल्ला रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, ऐसी ठंड रात है, सर्द रातें हैं, और उत्तराखंड में तो पहले ही वहाँ पर बर्फबारी और ये सब होता ही रहता है, तो ये मुश्किलें और हालात बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहले इस समय है कि जोशी मठ में जिन 600-700 परिवारों को चिन्हित किया है, क्या मकानों को चिन्हित किया है, जिनको सरकार कह रही वहाँ से पुनर्वास करना है, उनकी पुनर्वास नीति सरकार को डिक्लेयर करनी चाहिए। लोगों के मकान टूट गए हैं, लोगों की आजीविका छूट गई है, और उसके बावजूद भी सरकार मकान तोड़ने के लिए तो आगे आ रही है, बुलडोजर है, लेकिन आज के दिन तक अभी तक पुनर्वास नीति नहीं घोषित की गई है, जिनको लोगों को भरोसा हो सके कि हम कल को सरकार से उस पुनर्वास नीति के आधार पर हमारा पुनर्वास होगा। मकान लोगों को कहाँ दिए जाएंगे, कितने रहने के लिए देंगे, क्या होगा, इस संदर्भ में सब कुछ अज्ञानता है, सब कुछ अंधेरे में है। इसलिए जोशी मठ के लोगों की मांग भी है इस समय, पहली आवश्यकता है कि हाँ, अपने घर करने को तैयार हैं, सरकार जहाँ बसाने को तैयार है, लेकिन उसकी एक मुकम्मल नीति लोगों के सामने होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को उस नीति को स्वीकार करने का या अपना विरोध करने का हक हो। लेकिन अफसोस की बात है, लोग उनको, सरकार उनको जबरदस्ती हटाना चाहती है, लेकिन उसके संदर्भ में आवास की नीति अभी तक घोषित नहीं की है। लोगों ने विकल्प भी दिया है, जो नीति आपने बद्रीनाथ धाम में अपनाई है लोगों के पुनर्वास के लिए, उस नीति को लागू कीजिए या कोई नई नीति आई है, एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जोशी मठ का जो ये स्थिति है, ये सिर्फ जोशी मठ की नहीं है, हमने रेणी की आस 2 साल पहले वहाँ पर बड़ी क्लाउड बस्ट आता है, लेक भ्रष्ट है, उसे जांच नहीं गया। लेकिन ये सवाल जरूर है कि जोशी मठ की स्थिति आज आई क्यों, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके, और भविष्य के अंदर जो दूसरे शहर है उत्तराखंड के, उन लोगों को भी पता चले। और सवाल है, क्या सरकार पूरे जोशी मठ को नया बसाना चाह रही है, या जोशी मठ के बारे में सरकार की क्या प्लान है, क्या योजना है, इसको भी राज्य के सरकार को या भारत सरकार को लोगों के सामने रखना चाहिए। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, ये स्थिति अभी जो ऐसी दिखा है, बन चुकी है, इससे पहले सरकारें क्या कर रही थी, सो रही थी क्या, वहाँ के सीएम साहब सो रहे थे या वहाँ के मंत्री सो रहे थे? ये स्थिति इतनी भयावह है कि अब दरारें बिल्कुल चीर के पूरी दीवारें टूट जर्जर हो चुकी हैं, ये स्थिति बनने क्यों दी गई? लेकिन कहा तो यही जा सके, सरकार सो रही थी। पिछले 8 महीनों से जोशी मठ के लोगों ने संघर्ष समिति बना करके, जब से दरारें आना शुरू हुई, तभी से सरकारों से मांग करने से कि हमारे मकानों में दरारें आ रही हैं, हम खतरे में हैं, जोशी मठ खतरे में है, लेकिन पिछले 8 महीनों से ध्यान नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो राज्य प्रशासन की, राज्य सरकार की इसमें बहुत ही असंवेदनशीलता है, कि ये जो आज स्थिति है, अगर जो जोशीमठ संघर्ष बचाओ संघर्ष समिति की बात को शुरू में सुन लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। सर, ऐसी नौबत आई क्यों, यही सबसे बड़ा है कि खतरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया, या तो उसको बढ़ावा दिया गया, या फिर सरकारों ने आंखें बंद कर ली? सरकार वैसे तो बहुत बड़ी बड़े दावे वादे कर रही है, भाजपा के ही वहाँ के सीएम है, हाँ, वहाँ पर इतना बोल रहे कि दौरा किया, सब कुछ किया। अगर सरकार थोड़ी सी संवेदन हो जाए, फरवरी 2021 की आपदा से सबक ले ली थी, उस समय भी लोगों ने एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर, टनल पर सवाल उठाया था, उसी समय अगर सरकार ने इस पर विचार कर लिया होता कि इस एनटीपीसी की टनल का कहीं जोशीमठ शहर में तो कोई असर नहीं पड़ा है। 2010 में एनटीपीसी और स्थानीय जोशीमठ के लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था कि जब पानी अचानक शहर में का क्राइसिस हो गया था, कि
एनटीपीसी इन तमाम मकानों जहाँ से उनकी टनल जा रही है उनका कहते हैं इंश्योरेंस कराएंगी। तो सरकार है विभिन्न समूह में सरकार के विभिन्न सरकारी अधिकारियों के द्वारा रिपोर्टें दी गई हैं, अपनी अनुशंसाएँ की है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने जिनकी सरकारें थी भाजपा की सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, उसको गंभीरता से नहीं लिया, उसका दुष्परिणाम आज जोशीमठ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इतनी बड़ी खबर है सर, लेकिन कोई भी नेता है जो वो सामने नहीं आके बात कर रहे हैं, ना उनसे उधर मिलने जा रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जो है भाई पठान मूवी आई है उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं, अभी वहाँ पर जोशीमठ में सभी लोग हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दौरा किया है, लेकिन वहाँ पे अभी समस्या हल नहीं हुई गई है। लेकिन इस समय कांग्रेस की पार्टी ने बीजेपी सरकार से मांग की है, एक तो इसको तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए जो जोशीमठ के लोगों का भी है, और दूसरा सवाल है क्योंकि सरकार को काम है कि कैसे उनको बसाना है, किस तरह की नीति है, और इसलिए तत्काल जोशीमठ के लिए एक पुनर्वास नीति की घोषणा की जाए जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आप ये मानते हैं कि वाकई में सरकार इस पे जो है जवाबदेही होनी चाहिए? सरकार थी, वो नहीं जवाबदेही होनी चाहिए, जो सरकार सो रही है, सरकार अभी तक उस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही। इतनी त्राहिमाम मचा हुआ है, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अभी भी नहीं ले, क्योंकि नहीं तो ये बताए कि जोशीमठ से कि लोगों को आप घरों से बेदखल कर रहे हैं और उनके लिए कोई नीति घोषित नहीं है, उनको क्या मुआवजा मिलेगा, वो कहाँ बसाए जाएंगे, जिनके मकान है उनके साथ क्या नीति होगी, जो किराए में मकानों में रह रहे थे उनके साथ क्या नीति होगी, और ये स्थिति में उनको कब तक रहना पड़ेगा, मुश्किल से 4,000 रुपये में आप दे करके उनको कहाँ बसाना चाह रहे हैं, उनके रोजगार का क्या प्रबंध होगा, रोजगार का, मकान का, रहने का, इस संदर्भ में कोई नीति है। हमारी सरकार से मांग है कि इस पूरी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके सरकार को उनके पुनर्वास की मुकम्मल नीति घोषणा करनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ज्योतिर्मठ बोलते हैं उसे, ज्योतिर्मठ भी बोलते हैं, क्या ज्योतिर्मठ की ज्योति बुझ रही है या बुझ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, हम सब की चाहे ज्योतिर्मठ हम सब की आस्थाओं का प्रतीक है, नहीं बुझेगी, लेकिन सबको और विशेषकर सरकार को इस संदर्भ में आगे आना होगा। जब लोग संकट में है, जब लोग क्या कहते हैं सरकार की ओर देख रहे हैं, तो सरकार को सारे लोगों और देश का ध्यान है जोशीमठ और ज्योतिर्मठ जो एक ऐतिहासिक स्थल है उसको बचाना होगा, उस शहर को बचाना होगा। आज जोशीमठ का सवाल है, अगर आज जोशीमठ टूटेगा तो आने वाले समय में और शहरों में भी आपदा आएगी। सर पूरा परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं प्रदीप टमटा, पूर्व सांसद उत्तराखंड। तो अभी हमारे साथ पूर्व सांसद थे प्रदीप जी। तो तमाम जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पर आज चर्चा की गई थी, प्रेस क्लब में संगोष्ठी रखी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि अभी भी जो नेता हैं या फिर भाजपा की जो सीएम साहब हैं वो दौरा ही कर रहे हैं यार, उन लोगों के लिए वाकई में वो कुछ सोचते भी हैं कि वो उन लोगों के घर और मकान जो टूट रहे हैं, त्राहिमाम हो रहा है वहाँ पर, इतना भयावह सीन है, लोग बेघर हो रहे हैं इस ऐसी सर्द रातों में, बिना छत के वहाँ गुजारने को मजबूर हैं, उनका रोज़गार नहीं है, उनके घर छिन जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरा खतरा ये भी है कि बारिश हो रही है, वहीं बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन ऐसे में उन लोगों के आशियाने पर बुलडोज़र चलाने की भी बात की जा रही है। क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्योति जो मठ है उसकी ज्योति बुझेगी या वाकई में अब दोबारा से उज्जवल की जाएगी, सबसे बड़ा सवाल यह है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, प्रेस क्लब दिल्ली।